हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डब्ल्यू जी स्टडी विद गुरुकुल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अटेंशन एंड करेक्ट्रिस्टिक्स फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में अटेंशन कैसे सेंसेशन और परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस किया था आज हम डिटेल में थोड़ा अटेंशन को पढ़ेंगे और इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आइए पढ़ते हैं अबाउट इट सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंसेशन एंड द परसेप्शन दैट इज द अटेंशन तो अटेंशन बेसिकली क्या है हम आप लेमन लैंग्वेज में सब जानते हैं कि अटेंशन क्या होता है फोकस अपना ध्यान एक तरफ केंद्रित करना उसको बोलते हैं अटेंशन बट वैन वी टॉक अबाउट इन साइकोलॉजी टर्म्स तो अटेंशन का क्या मतलब है अटेंशन इज ए कॉग्नेटिव एबिलिटी दैट अलाउस अस टू पे अटेंशन टू द एनवायरमेंटल स्टिमिला एज वेल एज टू द पर्सनल इंटरनल स्टेट यहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं कि हम जो है अपनी जो कॉग्नेटिव एबिलिटी है फोकस करने की केंद्र ध्यान केंद्रित करने की वो हमें दो चीज़ों पे अटेंशन अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए हेल्प करता है वो है एक एन्वायरमेंटल स्टिमलाई और दूसरा है इंटरनल स्टेट इंटरनल स्टेट जैसे कि हमारी क्या मोटिवेशन है क्या एटीट्यूड है किस टाइम पे किस सिचुएशन पे किस इवेंट पे किस स्थिति पे ये निर्भर करता है नेक्स्ट इज दी इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाए ना इन्वायरमेंटल स्टिमुलई जो है हमें डे टू डे लाइफ इवन पर सेकेंड हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलाई मिलते रहते हैं जैसे कि आप मुझे वीडियो सुन रहे हैं तो आपको वीडियो ऑडिटरी स्टिमुलाई मिल रहा है और देख भी रहे हैं तो विजुअल स्टिमुलाई मिल रहा है हम कुछ भी जो पूरी दुनिया को समझ पाते हैं अपने इन्वायरमेंट को समझ पाते हैं वो तभी समझ पाते हैं जब हम किसी चीज़ की तरफ अपना अटेंशन फोकस करते हैं so a large number of stimuli and events demand our attention and resources at the same time कभी कभी हमें जो है बहुत सारी चीज़ों पे एक ही टाइम पे अटेंशन देना होता है जैसे कि जब हम ड्राइव कर रहे हो तो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का भी ध्यान देना होता है अपनी स्पीड का भी ध्यान देना होता है ब्रेक्स पे भी नज़र रखनी पड़ती है सो so, बट क्या होता है कि हमारी जो कॉग्नेटिव एबिलिटी है ये बहुत लिमिटेड है एंड जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो हमारा अटेंशन लेवल भी डिक्रीज होता रहता है जैसे कि एजिंग होती है उम्र बढ़ती है तो आपने देखा होगा बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स जितनी फुर्ती से हम पच्चीस साल तक या जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तीस साल तक कर पाते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होने लगता है सिमिलरली जब आप स्ट्रेस में होते हो या कोई ऐसी अटेंशन रिलेटेड डिजीज़ेस हैं उसमें भी ये हमारा अटेंशन डिटोरिएट होता है सो बेसिकली अटेंशन कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू जनरेट सेलेक्ट मैनेज and maintain an adequate level of stimulation to prevent the to process the relevant information matlab koi bhi relevant information hai uske liye hame stimulation chahiye hota hai taki cheeze perceive ho to attention ek hamari aisi kabiliyat hai jo usko generate select manage aur maintain karta at the adequate level आप एक तरीके से और define कर सकते हैं attention को that attention is a process that takes place on cognitive level and that allows us to orient ourselves toward the stimuli that is relevant ignoring that are not important to us so in order to act in the consequence matlab ye hai ki jo cheeze hamare liye important hain hum unhi ki taraf dhyan kendrit karte hain and ignore karte hain irrelevant या जो हमारे लिए important नहीं है क्योंकि हमें per second, per nano second इतनी सारी information मिल रही होती है कि हमारा ब्रेन अगर सारी चीज़ों को स्टिमुलेट हो जाए और सेंस कर लो परसीव कर ले तो बम्बार्ड हो जाएगा सो दिस इज और इसमें क्या होता है बहुत अटेंशन का प्रोसेस कैसे होता है उसमें एक सीरीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो अब हम उस करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें इस प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं सो तो इसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है एम्प्लीट्यूड नम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है मीन्स क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन या क्वांटिटी ऑफ स्टिमुल है दैट वी कैन पे अटेंशन टू एट द सेम टाइम एंड द क्वांटिटी ऑफ टास्क दैट वी कैन डू सैमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे हम इंफॉर्मेशन ले भी लें और साथ में टास्क भी कर पाएँ तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड जैसे कि आप ड्राइव कर पाते हो कार को म्यूजिक सुन पाते हो फोन आता है तो फोन भी आप रिसीव कर पाते हो बट इसकी भी एक लिमिटेड रिसोर्स होती है कीपिंग इन दिस माइंड कि लिमिटेड रिसोर्स है तो हम जो है बहुत सारी चीज़ों पे एक बहुत ज़्यादातर अटेंशन नहीं रख पाते हैं सो so, हमारी एक लिमिटेशन रहती है कि हम जो है कुछ काम जो है साइमल्टेनियसली कर पाते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट इजी इंटेंसिटी ना इंटेंसिटी क्या है इंटेंसिटी है द अमाउंट ऑफ अटेंशन रिसोर्सेज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे है द अमाउंट ऑफ अटेंशन रिसोर्सिस विच आर पेइंग अटेंशन टू अ गिवन स्टिमुलेशन मतलब जो अटेंशन रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है सो so ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्ट्रिस्टिक है अटेंशन का एंड द लेवल ऑफ द रिसोर्सिस दैट वी डायरेक्ट टू अ गिवन स्टमुलेट कैन फ्लक्चुएट मतलब जिस लेवल का रिसोर्स हम देते हैं जैसे कि कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को बट लाइटली पढ़ते हैं तो भी समझ में आ जाता है एंड कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं आता है सो so, इसमें एक कंसेप्ट आता है ऑटोमेटिक टास्क का एंड कंट्रोल टास्क का ऑटोमेटिक टास्क वो टास्क होते हैं जो कि प्रैक्टिकल टास्क होते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में इतना करते हैं कि हम इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उसको अटेंशन और इतना फोकस की ज़रूरत नहीं होती है जैसे कि आपकी मदर है रोटी बना रही होती हैं साथ में आपसे बात भी कर रही होती हैं तो और वो तवे पर डालती रहती हैं और उसको बेलती भी रहती हैं तो ये वो इतने इसमें एक्सपीरियंस हो गया कि उनके लिए ऑटोमेटिक टास्क हो गया है सिमिलरली बट कुछ जो अदर काम होते हैं उनमें जो है ज़्यादा अटेंशन रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपकी रीडिंग हुई आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन uh, हुए उसमें क्या है आपको ध्यान ज़्यादा चाहिए होता है तो उन सारे टास्क को क्या बोलते हैं हम कंट्रोल टास्क नेक्स्ट इजे अल्टरनेशन एंड शिफ्टिंग अल्टरनेटिंग एंड शिफ्टिंग जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे कि कभी कभी हम एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो हमें फोकस जो है ऑल्टरनेट करना पड़ता है कभी इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कभी उस पर करना पड़ता है तो हमारी इसी करेक्टरस्टिक को इसी काबिलियत को क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग और अटेंशन तो अल्टरनेटिंग अटेंशन इज द एबिलिटी टू बी एबल टू चेंज द फोकस ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन इवेंट टू अनादर एंड इट हैपन्स वैन वी डू मोर देन वन एक्टिविटी एट द सेम टाइम एंड यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है वो दोनों एक्टिविटी वैसी होनी चाहिए जिनके लिए सेम कॉग्नेटिव रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो जैसे कि कुकिंग के लिए अलग कॉगनेटिव स्किल चाहिए और बैडमिंटन प्लेइंग के लिए अलग चाहिए तो आप दोनों टास्क एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो मोटर आ, का भी यूज़ होगा बट आप ड्राइव कर सकते हो साथ में सॉन्ग भी सुन सकते हो तो आ, इसमें एक फोकल पॉइंट जो होता है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अल्टरनेशन एंड दिस फोकल पॉइंट कैन भी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट डायरेक्शन डायरेक्शन कैसी हो सकती है एक्सटर्नल हो सकती है और इंटरनल हो सकती है एक्सटर्नल वो जिसमें कि स्टिमुलाय देट आर मेड इन द सराउंडिंग जो कि हमें सराउंडिंग से स्टिमुलाए uh, मिल रहे होते हैं एंड इंटरनल वो जो कि इंसान अपने खुद के अंदर से निकालता है मतलब बहुत पर्सनल और इंडिविजुलिस्टिक होते हैं वो और एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं देट इज़ द अकॉर्डिंग टू इट्स लार्ज एम्पलीट्यूड एंड द वाइड एम्पलीट्यूड लार्ज एम्पलीट्यूड क्या करता है इट अलाउस वेरियस टिमला टू बी परसीव एट वंस मतलब जिसका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होता है जैसे कि बहुत तेज सी आवाज़ हुई तो वो हमारा ध्यान अपने आप ही आकर्षित कर लेता है तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड का एग्जाम्पल है वाइड एम्पलीट्यूड जैसे दैट इंडिविजुअल कैन फिल्टर द अनवॉन्टेड स्टिमिला जब वाइड एम्पलीट्यूड होता है तो उसमें क्या है इंसान को ये उसमें उनको कंट्रोल फैक्टर ये मिल जाता है कि जिन चीज़ों को अटेंशन नहीं चाहिए होते उसको वो फिल्टर आउट कर देते हैं मतलब अनवॉन्टेड स्टिबलाइज को फ़िल्टर आउट कर देते हैं जिसकी वजह से वो ये शिफ्टिंग और अल्टरनेशन कर पाते हैं नेक्स्ट इज द कंट्रोल अब अटेंशन में कंट्रोल का क्या रोल है अटेंशन इज बेसिकली कैन बी ऑफ टू टाइप्स सॉरी द कंट्रोल जो है इसका करेक्टरिस्टिक इट कैन बी ऑफ टू टाइप दैट वॉलेंट्री एंड इन वॉलेंट्री वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है जिसमें कि हमें मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है टू मोबिलाइज एंड प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन कमिंग इन एंड आउट फॉर मेंटेनिंग द नेसेसरी अमाउंट ऑफ द टाइम इसका मतलब ये है कि जब हमें अपने दिमागी क्षमता लगानी हो अपने मेंटल एफर्ट लगाने हो कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए मोबिलाइज करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक टाइम उसको बोलते हैं वॉल्ट्री जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं ये वॉलेंट्री है आप बैडमिंटन खे, खेलने जाते हो ये वॉलन्ट्री है आप जो है आ, कोई रीडिंग करते हो मैथमेटिकल असाइनमेंट करते हो उसके लिए आपको मेंटल एफर्ट चाहिए होते हैं सो so, एक इंडिविजुअल कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट दोसेस प्रोसेस नीडेड टू डू अ मेंटल टास्क वेर एज इन्वॉलेंट्री में क्या होता है देर द स्टिमूलाए विच आर कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू वर्ड अवर रिसोर्सेज मतलब कुछ स्टिमुलाएँ इतने ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होते हैं कि वो अपने आप ही ध्यान केंद्र हमारा आकर्षित कर लेते हैं जैसे कि बहुत बड़ी आवाज़ हो गई वाइब्रेशन हो गई जैसे अर्थ को की वाइब्रेशन होती है ना वो हो गई वो अपने आप ही ध्यान आकर्षित कर लेती है तो इस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम को क्या कहते हैं इनवॉलेंट्री या पैसिव अटेंशन भी बोलते हैं जहाँ की वॉल्ट्री को हम एक्टिव भी बोल सकते हैं तो so, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक है अटेंशन का नेक्स्ट इफ़ आई लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक तो अटेंशन क्या है अटेंशन दे फॉर एज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल हाउ वी डायरेक्ट द रिसोर्स इन आर डेली लाइफ विच एक्ट एज ए फिल्टर और सेलेक्टिव बॉटल नेक्ट दैट अलाउस अस टू फोकस ऑन द रिलेट पार्ट नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम अपना रिसोर्सिस को कैसे यूज़ करें मतलब अगर रिसोर्स हमारी अटेंशन सब जगह लगा देंगे तो हमारे एरर्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे एंड लर्निंग मिनिमाइज हो जाएगी बट हमें क्या करना होता है हमें मैक्सिमाइज लर्निंग करनी होती है एंड मिनिमाइज एरर करने होते हैं तो उसके लिए अटेंशन जो है इट एक्ट एज़ अ बॉटल नेक मतलब यहाँ पे बॉटल नेक का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ बॉटल नेक का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक फनल की तरह है है ना और यहाँ पे यहाँ पे हमारा ये ब्रेन है मान लीजिए ठीक है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पर सेकंड मिल रही होती है बहुत सारी बहुत सारी हम सेंस कर रहे होते हैं फील कर रहे होते हैं बट यहाँ पे जो फनल है ना यहाँ पे एक होता है बॉटल नेक जिसको कि आप बोल सकते हो जहाँ पे कि हम इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो ही सिर्फ ब्रेन में जाके परसीव होगी और सब चीज़ें जो है फिल्टर आउट हो जाएगी ये आउटपुट हो जाएगा ये हमारा इनपुट है सारी इन्फॉर्मेशंस का और यहाँ से क्या हो जाएगा आउटपुट जो हमें नहीं चाहिए जो हमारे लिए इेलीवेंट है अभी इरेलीवेंट पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है मेरे लिए चीज़ जो रेलेवेंट है हो सकता है आपके लिए वो नहीं हो जो आपके लिए हो वो मेरे लिए नहीं हो सो so, ये भी इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है अटेंशन का जो कि एक बॉटल नेक की तरह एक्ट करता है और सारी अनवांटेड और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन्स को इग्नोर करता है ताकि हम हमारा जो अटेंशन है सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉमेसन्स पे रहे तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द अटेंशन एंड करेक्टिक आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको मेरे टॉपिक ये समझ में आया है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड अगर आप चाहते हैं इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो बेल बटन का बटन ज़रूर दबाइएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना ना भूलिए थैंक यू